अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री व विधायक नैना देवी रामलाल ठाकुर ने प्रदेश की खेल नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि ये महज प्रदेश खिलाड़ियों को लॉलीपॉप देने जैसी है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि नई खेल नीति के अनुसार गांव से शहरों तक नए स्टेडियम बनाए जाएंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए 58 करोड़ का प्रस्ताव भी तैयार किया गया था, लेकिन अभी तक बुनियादी तौर पर कुछ भी सामने नहीं आ पाया। ये प्रदेश के गांव कस्बों व शहरों के खिलाड़ियों के साथ मजाक नहीं कर रही तो क्या कर रही है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन उनको खेल के लिए बेहतर वातावरण और साधन नहीं मिल पा रहे हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि मैं स्वयं खेलों से जुड़ा रहा हूं, अगर हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और खेलने का वातावरण मिले तो प्रदेश के खिलाड़ी पंजाब हरियाणा के खिलाड़ियों से कहीं अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों को शहरों में तो कुछ सीमित साधन खेलने के लिए प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों को कुछ खेल सुविधा नहीं मिल पाती है और गांव से शहरों की दूरी के कारण खिलाड़ी शहर तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनकी खेलने की इच्छा और प्रतिभा कदम घुट जाता है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि हाई एल्टीट्यूड खेलों को भी बढ़ावा देने की बात खेल नीति में कही गई थी, लेकिन धरातल पर अभी तक कुछ भी नहीं उतर पाया है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि नई खेल नीति हेतु प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता से सुझाव जनवरी के महीने में मांगे थे, लेकिन उन सुझावों पर कितना विचार किया गया अभी तक भी रहस्य ही बना हुआ है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2001 में प्रदेश की खेल नीति बनाई गई थी, लेकिन वर्ष 2005 में इन्होंने खेल मंत्री रहते हुए एक नया ड्राफ्ट खेल नीति और खेल संघों के बारे में तैयार करवाया था, लेकिन उसके बाद अब हिमाचल सरकार ने 19 साल बाद खेल नीति 2020 तैयार की है, लेकिन उसमें खिलाड़ियों को मिलने वाले सम्मान और उनके रोजगार पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं किया गया है। हिमाचल की नई खेल नीति में पहली बार दिव्यांगों की खेलों के साथ साहसिक खेलों को शामिल तो किया गया है, लेकिन उनको कितना बजट मिलेगा, उन खेलों का कैसे क्रियान्वयन किया जाएगा, उसके बारे में कोई रूपरेखा क्यों तैयार नहीं की गई है। इस नीति को तैयार करने के लिए ना तो खिलाड़ियों से कोई चर्चा की गई और ना ही खेल संघों से कोई चर्चा की गई है। इस खेल नीति में प्रदेश में स्पोर्ट्स म्यूजियम और लाइब्रेरी बनाने की भी बात की गई है, पर वह कहां कहां बनेंगी और उन पर कितना पैसा और कहां से खर्च होगा, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। खेल नीति बनाने का मकसद केवल ये नहीं होता कि कागज ही काले किए जाएं, बल्कि ये होता है कि कुछ प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए धरातल पर काम किया जाना चाहिए। जो प्रदेश सरकार ने भाषा एवं संस्कृति और पर्यटन विभाग के साथ मिलकर स्पोर्ट्स म्यूजियम बनाने की बातें कही गई हैं, तो उनमें इन्होंने कहा कि भाषा एवं संस्कृति विभाग के पास तो अपना कार्यालय चलाने तक का बजट नहीं है, तो टूरिज्म विभाग को भी कार्यालय चलाने तक का बजट नहीं है, तो टूरिज्म विभाग जो भी गतिविधियां करता है वे एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से करता है, तो ऐसे में खेल स्टेडियम और खेल लाइब्रेरी की बात कुछ हजम नहीं हो रही है। इस खेल नीति को क्रियान्वित करने का प्रशासनिक ढांचा क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि खेल नीति को प्रदेश सरकार हल्के में ना ले, बल्कि उसको बुनियादी तौर पर जमीन पर उतारे, तभी प्रदेश में खेलों को बढ़ावा मिल पाएगा, अन्यथा खिलाड़ियों के साथ भद्दा मजाक ही होगा। अभी हिमाचल प्रदेश में जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, युवा सेवाएं और खेल विभाग, ये नए मंत्री के पास गया है। पठानिया जी क्योंकि स्वयं खिलाड़ी रहे हैं, तो उनसे सारे प्रदेश के जो खिलाड़ी है वही चाहते हैं कि खेल नीति हो या खेल के लिए कार्यक्रम बने, वो सही तौर पे वो बने जो धरातल पर आके पहुँचे। ऐसा नहीं कि पहले स्पोर्ट्स के लिए कोई नीति या कार्यक्रम नहीं थे, लेकिन उसको लागू करने में कुछ जो है वो गलतियां हुई है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, मौजूदा सरकार ने स्कूलों में 10-10 लाख रुपए के जो है वो मैदान बनाने के लिए पैसे का आवंटन किया है। पैसा PWD को दिया गया है और जो बने हुए स्कूल के मैदान हैं उन्हीं मैदानों में जो है वो थोड़ी छेड़छाड़ करके उसमें सुधार लाने के लिए PWD के माध्यम से 10-10 लाख रुपए एक स्कूल के ऊपर खर्च हो रहा है।
और ये जो 10 लाख रुपए एक चुनाव क्षेत्र में एक मैदान के ऊपर ये पैसा लग रहा है। कुछ हमारे छोटे मैदान हैं जिसमें 5 लाख या 4.5 लाख रुपए का खर्च होता है, वो हमारी जो स्कूल की जो मैनेजमेंट कमेटी है PTA उसके माध्यम से वे पैसा दिया जा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पिछले सालों से ये जो कार्यक्रम चला है ये कोई कार्यक्रम रिजल्ट लेके नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये भी कहा गया है जो मंत्री जी का बयान है कि 58 करोड़ रुपए जो है वो शहरों में और गांव में जो खेल गतिविधियाँ हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो है वो कई जगह ट्रेनिंग सेंटर जो है वो भी खोले जाएंगे, लेकिन बजट कहाँ पे है? आंकड़े बोलना और फिर बजट सेशन में बजट जो है वो ग्राउंड पे आना, ये बहुत बड़ा एक ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि हम कह देते हैं लेकिन उसके बाद उस काम को हम पूरा नहीं करते। पिछले वर्षों से हिमाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स के लिए जो कोचिज हैं उनकी भर्ती करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी और जो उसमें चाहे मुख्यमंत्री हों या चाहे वो मंत्री इंचार्ज हों, उन्होंने इन सीटों को भरने का जो है वो लोगों से वायदा किया, खिलाड़ियों से वायदा किया। एक तो पहली चीज़ है कि जो NIS करके आते हैं वो खिलाड़ी जो है वो उनको नौकरी नहीं मिलती, उनकी एडजस्टमेंट नहीं होती। आप हरियाणा की तर्ज पे देख लीजिए जहाँ पे सैकड़ों कोचिज जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट भर्ती कर रही है, गाँव में कोचिज लगाए गए हैं, शहरों में कोचिज लगाए गए हैं ताकि हमारी जो प्रतिभा है उसको उभारा जाए और उसको निखारा जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो भी कोचिज की पोस्टें सैंक्शन हुई 3-4 सालों से वो पोस्टें ही नहीं भरी जा रही है, और भर किसको रहे हैं? यहाँ पे कोचिज की पोस्टों को भरने के लिए एक नया तरीका अख्तियार कर लिया कि जिसने 2 महीने का भी कोई रिफ्रेशर कोर्स का कोर्स कर रखा है, या मैं कहना चाहूँगा जिसने जो थोड़ा मोटा स्पोर्ट्स के बारे में जानता है उसको भी MA की डिग्री होने के साथ साथ ये कहा गया कि वो कोच के लिए जो है वो लग सकता है कि है कोई CPA की जो ट्रेनिंग कर रखी है उसको कोच कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कुछ लोगों को चोर दरवाजे से अंदर घुसाने के लिए ये कहा गया कि जो CPA या DPA का किए हुए लोग हैं वो उनकी अगर 2 हफ्ते की ट्रेनिंग भी अगर मान लो कहीं पे कोचिज की होगी तो उसको भी बिल्कुल बराबरी से NIS कोच के बराबर जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा ये नहीं हो पा रहा है, ये सिर्फ लोगों को चोर दरवाजे से भरने की बात है, उनको रोज़गार देने की बात है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो पिछले सालों से जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उसको भरने का जो है वो इंतज़ाम किया जाए। हमारी स्पेशल एरिया गेम का क्या हुआ? जहाँ पे आपको मालूम है कि दौरजी हमारे ट्राइबल एरिया से तीरंदाजी में जो है वो नेशनल लेवल पे हमारी जो हंट हुई थी एक वो थी कि हमारे जो 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 पिछड़े हुए एरियाज हैं उसमें टैलेंट हंट करने के लिए कुछ बच्चों को जो है वो छांटा गया, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी आए। लेकिन आज उस टैलेंट हंट का क्या हो गया? हमारी स्टेट लेवल वॉलीबॉल जो है वो गेम है, लेकिन वो वॉलीबॉल की गेम सुकड़ती जा रही है, और उसमें मैं कहना चाहूँगा हमारे खिलाड़ी पंजाब से हरियाणा से कोई रेलवे से खेल रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो है जहाँ पे हम टॉप करते थे 2-3 टीमों में आते थे आज हम 10वें नंबर पे 12वें नंबर पे चले गए हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स नीति के साथ साथ हमारे को ये भी देखना चाहिए कि हमारी जो एसोसिएशंस हैं वो सही तरीके से फंक्शन करें। कुछ पहले प्रयास हुआ था, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ दिनों, और हमने कहा था कि स्पोर्ट्स को ठीक करने के लिए हमने कुछ गाइडलाइंस दी थी, एक स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने दी थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने कहा कि नहीं जी ये तो अनुराग ठाकुर को घेरने का काम चला है, और जो विधानसभा से पास भी हो गया राज्यपाल महोदय के पास जो है वो 2-3 साल तक वो लटका रहा और बाद में वो जो है वो रिजेक्ट कर दिया कि नहीं जी ये नहीं आगे होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसको घेरा गया कि ये शायद क्रिकेट के लिए है, लेकिन वो सारे संघों को बांधने के लिए था कि वो नीचे सब डिवीजन से लेके और ये जिला स्तर पे जो हमारी स्पोर्ट्स के जो कार्यक्रम चले हैं अगर हमारी ये एसोसिएशंस सही ढंग से काम नहीं करेगी तो हमारी स्टेट लेवल पे जो है वो रिजल्ट नहीं आएंगे। मैं पठानिया से कहना चाहूँगा कि हर चीज़ बुरी नहीं होती, लेकिन गुणों और दोषों के आधार पर देखा जाए
कि हम संघों को भी कैसे बांधें ताकि वो गतिविधियां चलें, और हमारे जो जो पुराना जो हमारा क्लब सिस्टम था उसको भी कैसे हम आगे लेके आएं। देखो रशिया में जाके अगर देखा जाए क्लब सिस्टम से ही हमारे ओलंपियन जो है वो निकले हैं, अमेरिका में क्लब सिस्टम से लोग ऊपर आए हैं। अगर देखा जाए थाईलैंड कोरिया में देख लीजिए या सिंगापुर में देख लीजिए, सारी की सारी जो है वो क्लब सिस्टम से लोग आए हैं और प्राइवेट लोगों की भागीदारी उसमें है, सुनिश्चित करते हैं। चाइना में देख लीजिए, चाइना में भी इस प्रकार का काम चला है। लेकिन जिस ढंग से ये हिमाचल प्रदेश में, कभी हम कहते हैं कि हरियाणा के बराबर की जो है वो स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आएंगे, तो हरियाणा में तो है ही नहीं, गाइडलाइन से पॉलिसी है ही नहीं। विधानसभा में जब मंत्रीगण ये कह देते हैं मंत्री कि जी हरियाणा की बराबर की जो है वो हम स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आएंगे, क्या आपने देखा कि हरियाणा में स्पोर्ट्स वर्क पॉलिसी है? हरियाणा में गाइडलाइंस हैं, जिन गाइडलाइंस के ऊपर चल के जो है वो हरियाणा में गांव-गांव में स्पोर्ट्स है, उनके लिए जो है वो नौकरियों में प्रावधान है।